नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ के नए वीडियो में मैं शिव सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनावी वर्ष चल रहा है। 2023 और 2024 भारत के लिहाज से और कई राज्यों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण समय है। कर्नाटक चुनाव के बाद से लगातार विपक्ष में एक नई ऊर्जा आ गई है। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव जीता है, तो लगातार कई राज्य अभी आगामी आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसकी कमर हर तरीके से सारी पार्टियों ने कस ली है। और 2023 के बाद 24 की बात करें तो 24 में लोकसभा चुनाव होना है, तो उसका जो बिगुल है ऐसा लग रहा है अभी से पार्टियों ने बजा दिया है। उधर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस भी मौका नहीं छोड़ती बीजेपी पर हमलावर होने। साथियों, बात कर रहा हूँ जैसे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल हैं उनसे कुछ पत्रकारों ने सवाल करे, उसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। बघेल ने कहा कि वैसे तो बीजेपी के पुराने नेताओं को बीजेपी ने निपटा दिया है, लेकिन बचे हुए जो 14 विधायक हैं इस बार उन्हें भी टिकट नहीं मिलने वाला। जो पुराने एक बड़े नेता हैं उन्होंने नंद कुमार साय की वो बात कर रहे थे, नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राहुल फिर उनसे सवाल किया गया कि राहुल गांधी के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल वाली मुद्दे पर उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की होती तो उसका रजिस्ट्रेशन कब का ख़त्म कर दिया जाता। राहुल गांधी पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं, उन पर हमला हुआ है। हालांकि पहले वो किसी पद पर थे और अब वो पद पर नहीं है। जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है उसके बाद से बीजेपी को ये लगने लगा है कि वो काफ़ी बड़े नेता हो गए हैं और काफ़ी लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। अब तो वो किसी पद पर भी नहीं है, उसके बाद भी बीजेपी को लगातार पेट दर्द हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब वो हारने वाली है। उसके अलावा बात कर लें कि जब अमेरिका गए हैं, अमेरिका दौरे पर जो उनका लगातार विरोध कर रही है बीजेपी, विरोध हो रहा है और प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं वहाँ पर जाकर के, उस पर सफाई देते हुए जो हमारे बघेल जी हैं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के पूरे केंद्रीय मंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और यहाँ तक कि मोहन भागवत भी खुद उनके विदेश दौरे का लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं और बोलते हैं कि भारत में पैदा होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, तब मोहन भागवत क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते हैं? ये अपमान पूरे भारत का अपमान था जब मोदी जी ने इस तरह की बात करी थी, तब मोहन भागवत क्यों नहीं कुछ कहते। उसके अलावा उनसे सवाल ये भी किया गया कि पहलवानों के सपोर्ट में कुछ नक्सली संगठनों ने पोस्टर लगाए, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल मत है, पर्सनल विचार है, ये उनके संगठन का विचार है, इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। हालांकि नक्सलियों के हम विरोध में हों, उनके विचारधारा से हमारा विरोध है, लेकिन अगर फिर भी कोई सपोर्ट करता है तो इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। साथ के साथ कहा कि पहलवानों के साथ जो हुआ है उस पर पूरा देश पहलवानों के साथ में है। किस तरीके से लगातार बीजेपी और केंद्रीय मंत्री किस तरीके से पहलवानों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं दे रहे उनके सही बात पर, तो जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। इस तरह की बात कांग्रेस के और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। तो साथियों, इससे ये समझ में आ रहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ में बिगल बच चुका है। हालांकि अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बराबर कद का कोई नेता बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही। हालांकि अभी एक खबर आई जरूर है कि अनुज शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ के एक्टर हैं, छत्तीसगढ़ी एक्टर हैं, उन्हें बीजेपी आज जरूर ज्वाइन करी गई है। आगे जो भी राजनीति से रिलेटेड अपडेट होगा वो हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार साथ।